पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट शो मेरी कलम में, जहाँ हम बात करते हैं अलग अलग किताबों के राइटर्स से जिन्होंने अपनी बात को एक कागज पर लिखा और दुनिया के लिए एक फलसफा छोड़ दिया। जी हाँ, अलग अलग विषय कुछ भी हो सकते हैं। कुछ ने अपनी कहानी के थ्रू लोगों में बदलाव लाने की कोशिश की, कुछ ने अपने एक्सपीरियंसेस को कुछ इस तरीके से लिखा ताकि लोगों में एक मैसेज पहुँच सके। आज मेरी कलम के इस एपिसोड में हम एक ऐसे राइटर से मिलना चाह रहे हैं जिन्होंने बच्चों को सामने से तो बदलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन पूरे समाज को बदलने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी, स्पिरिचुअलिटी थ्रू हैप्पीनेस। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर रविंदर जी का, जिन्होंने लिखी है स्पिरिचुअलिटी थ्रू हैप्पीनेस। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आप एक राइटर हैं ये तो हमें पता है, लेकिन आप एक राइटर होने के अलावा भी बहुत कुछ हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके जीवन में और भी क्या चीजें हैं जिनके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों में बदलाव लेकर आते हैं। शुक्रिया, सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए और मेरे से बातें करने के लिए। मेरी जिंदगी में बहुत सारे चीजें हुए हैं और मैं बचपन से ये चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैं क्लियर था कि मैं डॉक्टर मेडिकल में नहीं बन पाऊंगा, तो मैंने उस तरीके से पीएचडी की पढ़ाई की है और मैंने डॉक्टरेट की हुई है। और मैं बहुत पहले से ये चाहता था कि मैं लोगों में बदलाव लाऊं। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं एक वो इंसान बनूं जो दुनिया को चेंज कर सके। मैं ये चाहता था कि मेरे जैसे और बहुत लोग आए इस दुनिया में जो ये बदलाव को आगे ले जा सके। तो उस हिसाब से मैंने बहुत कम उम्र में ये टीचिंग का लाइन, पढ़ाने का जो जज्बा था मेरे अंदर, वो मैंने बहुत पहले से चालू किया। मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है कि मैंने वो चीजों को सीखने के पहले मैं दूसरों को सिखाना चालू किया, चाहे वो मेरी MBA की पढ़ाई हो या चाहे वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो। मैंने ऐसे ऐसे चीजों का लोगों को सिखाया जिसके बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज थी, और मैं इस मुकाम पे उसकी बदौलत पहुंचा हूँ। लोगों को सिखाकर, लोगों में बदलाव लाकर मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास शिक्षा या नॉलेज या जो भी है वो बहुत लोगों तक पहुंचे और लोगों को इसका फायदा हो। और बचपन से मैं चाहता था कि मैं एक राइटर भी बनूं, बट ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ लिखूं और वो मैसेज लोगों को पढ़ाऊं। तो मैं एक एग्जीक्यूटिव कोच भी हूं, मैं एक ट्रेनर भी हूं। आज मुझे 25 साल से ऊपर हो गए MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए और कंपनीज में कॉर्पोरेट्स को पढ़ाते हुए 25 साल से ऊपर हो गए हैं, बट ये सिलसिला जारी है। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं अपने किताबों के जरिए काफी लोगों तक मेरी बातें, मेरी शिक्षा में पहुंचा पा रहा हूं। अब तक मैंने तकरीबन 10,000 लोगों को ट्रेन किया हुआ हूं। तो सर, ये जो आपकी ये दो जर्नी है, एक दो राह पर जो आप चल रहे हैं, आप बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं पिछले कई सालों से, ये जो राइटर बनने की आपकी जर्नी है, ये कैसे शुरू हुई और आपने इसमें, इस राह में और क्या क्या पड़ावों को पार किया? अपने आप को अगर आप सुधारना चाहते हो, इस दुनिया को सुधारना चाहते हो, आगे की पीढ़ी को अगर सुधारना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? और जब मैंने ये कोचिंग के ऊपर बुक लिखना चालू किया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो सबसे जरूरी चीज है वो है हैप्पीनेस। जब तक आप खुश नहीं हो इस दुनिया में, अपने आप से, लोगों से, फिर स्पिरिचुअलिटी का कोई सेंस नहीं है। पर सर, मैं यहाँ आपको रोक कर एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप एक मैनेजमेंट को पढ़ाने वाले टीचर हैं, मैनेजमेंट की लाइन में एक तो आपने हैप्पीनेस पर एक किताब लिखी है जिसको आपने कनेक्ट किया स्पिरिचुअलिटी से,
तो मैनेजमेंट में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है और आपकी ये किताब स्पिरिचुअलिटी थ्रू हैप्पीनेस क्या कहना चाहती है? मैं हमेशा ये मानता हूँ कि लोगों को आप कुछ भी सिखा लो कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको इस दुनिया में इस काम के लिए क्या क्या करना चाहिए, जब तक आपको खुशी नहीं होती है, जब तक आपको अंदर से खुशी नहीं होती है, आप कुछ भी काम करते भी हो लेकिन आपकी इच्छा नहीं होती है, आपको मतलब वो मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, तो मैं चाहता था कि अंदर से लोगों को खुशी हो। मतलब आप सिर्फ मंदिर में जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका मन अशांत है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलता। पहले अपने मन के ऊपर काबू रखना होगा, अपने आप में खुशी तो वो जागृत करनी होगी, तभी आपको मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी मिल सकती है। पर आजकल रोजमर्रा के काम में लोग इतना व्यस्त हैं कि सभी के लिए हैप्पीनेस यानी खुशी के मायने अलग अलग हैं। ऐसे में कुछ लोग पैसों को अपनी हैप्पीनेस समझते हैं, कुछ लोग अपने रिश्तों को अपनी हैप्पीनेस समझते हैं, कुछ लोग अकेले रहने को अपनी खुशी समझते हैं। आपके लिए या आपके अकॉर्डिंग खुशी क्या है और कौन सा इंसान खुश है, किस मायनों में आप कहते हैं कि कोई इंसान खुश है? मेरे बुक में एक चैप्टर में मैंने लिखा हुआ है थ्री मंत्र, और वो तीन मंत्र है रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन। तो मेरा कहना ये है कि आप अपने आप को अगर रिस्पेक्ट करते हो, लोगों को रिस्पेक्ट करते हो और अप्रोप्रिएटली अगर आप एक्शन लेते हो, ऑटोमेटिकली आपको जिंदगी में खुशी मिलेगी। तो मैंने इतने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, मैंने कोई स्वामी जी का मंत्र या ग्रंथ नहीं लिखा हुआ हूँ। ऑब्वियसली वो सब चीजें हमें अपने पुराने भगवत गीता या रामायण महाभारत कोई भी किताब ले लो, होली बुक ले लो, बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिलते हैं। तो मैं ये चाहता था कि मैं इतनी सिंपल किताब लिखूं, मैं इतनी सिंपल चीजें लिखूं कि लोगों को वो इमीडिएट कनेक्ट हो जाए कि हाँ, अगर हम यहाँ से ये चीजों को शुरुआत करते हैं तो हम बाकी सब चीजें आगे हो सकती है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है, तीन चैप्टर है उसके अंदर, उसमें यही बताया गया कि आप अपने आप को कैसे खुश कर सकते हो, फैमिली और अपने फ्रेंड्स और लोगों को कैसे खुश कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात एनवायरनमेंट के लिए क्या आप एक्शन ले सकते हो जिससे आगे की जो पीढ़ी है उनको उस चीजों की दिक्कत ना आए, जो हम अगर अभी नहीं करेंगे तो उनको वो चीजें दिक्कत आएगी। तो वो सब चीजें मेरी किताब में लिखी हुई है जिससे खुशी मिलेगी, जिससे हैप्पीनेस मिलेगी, और अगर हैप्पीनेस मिलेगी तो ही आपको स्पिरिचुअलिटी होगी। तो सर, जैसा कि मैंने अभी पूछा भी आपसे कि हर किसी के लिए खुशी के अलग अलग मायने हैं, क्या एक की खुशी दूसरे के लिए गलत हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है, इसीलिए हर इंसान को, मैं अपने ट्रेनिंग में भी यही बोलता हूँ, हर इंसान का जो पर्पस ऑफ लाइफ होता है, मैं एक चीज बहुत लोगों के साथ कर चुका हूँ जिसको मैं ये बोलता हूँ कि हर इंसान का एक विजन होना चाहिए लाइफ में। अगर आपका जिंदगी में आपके लाइफ में अगर विजन नहीं है तो आप जो भी करते हो, मतलब अगर मैं इसमें एक एग्जांपल दूं, आप कोई भी फ्लाइट में या गाड़ी में नहीं बैठते हो जब तक आपको पता नहीं है कि वो गाड़ी या फ्लाइट कहाँ जा रही है। बट मुझे ये बताइए कितने लोगों को ये क्लियर है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं। अगर भगवान ने इस दुनिया में भेजा है हर इंसान को कुछ करने के लिए भेजा है, अगर हम वो चीज समझते हैं, अगर हम वो चीज क्लियर होता है हमारे साथ, तो हम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। आप जो भी कर रहे हो जिंदगी में वो लिंक हो जाता है आपके पर्पस के साथ। अगर आपका पर्पस नहीं है जिंदगी में तो आप मतलब ऐसे गाड़ी में या फ्लाइट में बैठे हो, फर्क नहीं पड़ता है वो गाड़ी या फ्लाइट कहाँ जा रही है। सो हैप्पीनेस के माने हर किसी का अलग होता है, पर्पस हर इंसान का अलग होता है, और वो ही जरूरी है। जब आपको वो पर्पस मिल जाता है तब आप फिर उसको आगे बहुत कुछ कर सकते हो। तो हैप्पीनेस के भी वैसे ही बहुत सारे डेफिनेशन है। कई बार ये भी रहा है कि लोगों को अपना पर्पस ऑफ लाइफ खोजने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो शायद इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि करियर चूज करना पर्पस ऑफ लाइफ है या पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट है। आपका इसमें क्या कहना है? बढ़िया क्वेश्चन।
मतलब ये मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब मैं करता हूँ वो भी मुझे बोलते हैं, और ये मैं बच्चों के साथ नहीं बड़े लोगों के साथ भी करता हूँ। अजीब बात है कि लोग 35-40 साल हो जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस में, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो इस जिंदगी में क्यों है। तो मैं सिर्फ उनको ये बोलता हूँ कि आपको जो मन में आता है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आप अल्टीमेटली क्या, आप लिखो। तो कोई बोलता है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ओके, इसका मतलब 10 करोड़ मिल गया तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया, आप मर जाओगे दूसरे दिन। तो बोलते हैं नहीं, तो बोला फिर उसके बाद सोचो कि आप और क्या करना चाहते हो और ये क्यों करना चाहते हो। तो वो बोलेंगे कि नहीं इससे मुझे खुशी मिलेगी, मैं बोला बस खुशी मिलेगी और कुछ। तो ऐसे करते करते जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो सामने आता है। तो वो तभी आता है जब लोग अपने दिमाग पे जोर डालें। तो वो बहुत जरूरी है कि लोग सोचे कि वो क्यों और क्या कर रहे हैं। जब उन्हें वो क्लियर मार्गदर्शन मिल जाएगा कि जिंदगी में वो क्या करना चाहते हैं, फिर बाकी सब चीजें भी रहेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर उन्हें ये गोल मिल गया कि मेरे को किसी ने बोला था कि आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, तो मैं बोला अच्छी बात है, बट फिर ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड एक इंसान के लिए कुछ और होगा, दूसरे इंसान के लिए कुछ और होगा, तो उस इंसान के लिए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड क्या है, फिर हम उस पे अलग फिर काम करते हैं, और जब वो उस चीजों को करते हैं तब उसको खुशी मिलती है। खुशी को आपने स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है सर, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है शायद दोनों ही चीजें, क्योंकि मनुष्य के लाइफ में जरूरी है। जितनी जरूरी स्पिरिचुअलिटी है उससे कहीं जरूरी है हैप्पीनेस। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के भी अपने अलग अलग तरीके हो गए हैं। कुछ लोग अंधविश्वास को स्पिरिचुअलिटी मानते हैं, कुछ लोग ध्यान के मार्ग पर जाने को भी स्पिरिचुअलिटी में काउंट करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करने और लोगों को उसका ज्ञान देने को भी स्पिरिचुअलिटी मानते हैं। आम आदमी के लिए स्पिरिचुअलिटी को समझना कितना आसान है और कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैंने एकदम सिंपल और नया डेफिनेशन जैसा आपने अभी बताया, स्पिरिचुअलिटी से अंधविश्वास भी जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी हैप्पीनेस के साथ जुड़ जाए। अगर आप खुश हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगी। ऐसा मेरा एक नया डेफिनेशन देने की कोशिश की है, ताकि इस दुनिया में अगर आप स्पिरिचुअलिटी भी चाहते हो तो क्यों चाहते हो, क्योंकि आप खुश हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुश हो, स्पिरिचुअलिटी आ जाए। तो इट्स द अदर वे अराउंड। आप स्पिरिचुअलिटी से हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस से आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसा मैं ये किताब में लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो इस जिंदगी में, इस दुनिया में, जिससे आपको खुशी मिलेगी, और जब आपको खुशी मिलेगी उससे आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। So, मैंने ये कहने की कोशिश की है ये बुक में, जैसा मैंने बोला कि मेरे बुक में 3 चैप्टर्स है जो मैंने लिखा हुआ है। जो मेरे पहले चैप्टर है जिसका मैंने जो फोकस किया हुआ है बुक के अंदर, वो है किस तरीके से आप अपने बारे में, जिसको मैंने जो टाइटल दिया हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को पहचान सकते हो तो आपको खुशी मिलेगी। अगर आप लोगों आप ध्यान रखते हो, जो मेरा सेकंड चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट कैरिंग, अगर आप लोगों का ध्यान रखते हो तो आपको खुशी मिलेगी। और तीसरी चीज आपको जो खुशी मिलेगी, अपने अंदर आग जलाना चाहिए, जिसमें मैंने लिखा है लेट द फ्लेम बर्न। अगर आपके अंदर वो आग है और अगर वो लोगों को दिखाई देता है तो आपको खुशी मिलेगी। तो ये इस तरीके से मैंने खुशी को डिफाइन किया कि आप पहले अपने आप को पहचानो। जब आप अपने आप को पहचानोगे आपको खुशी मिलेगी, बिकॉज आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या है और आपके अंदर क्या कमी है। क्योंकि और मैं ये भी बोलता हूँ कि आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपको अपने वीकनेस पे नहीं काम करना है। उसको करना ठीक है, लेकिन आप अगर सिर्फ अपने वीकनेस पे काम करते हो, जो आपका स्ट्रेंथ है वो भी कमजोर हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को पहचानना है। जब आप अपने आप को पहचानोगे तब आपको खुशी मिलेगी, जब आप दूसरों के लिए कुछ करोगे तब आपको खुशी मिलेगी। तो यही सिंपल मैसेज मैंने ये बुक में दिया है कि खुशी का डेफिनेशन है अपने आप को पहचानना और दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना। अब वो दूसरे फिर मैंने वापस लिखा है कि किस तरीके से आप अपने फैमिली के लिए कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के लिए कर सकते हो, किस तरीके से आप ये एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हो, ये दुनिया के लिए कर सकते हो,
तो इस तरीके से खुशी सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। खुशी आपको तब मिलेगी जब आप किसी और के लिए भी कुछ करते हो। सर, बहुत ही अच्छी चीज़, एक अच्छी बात आपने बताई है कि जो इंसान खुद को सबसे पहले खुश नहीं रखेगा, वो दूसरों को भी खुश नहीं रख पाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश पहले खुद को खुश रखने की होनी चाहिए, ताकि आप दूसरों तक वो खुशियाँ बांट सकें, उनमें भी खुशी का एक एहसास जो है वो उनको करवा सकें। पर सर, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग टेम्पररी खुशी को ही खुशी मानकर चलते हैं, और जो लॉन्ग टाइम तक रहने चाहिए खुशी, उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो लोग उदास हैं, लोग परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में। जब तक वो ये नहीं जानते कि उनकी परेशानी की वजह क्या है, तब तक वो अपनी खुशी को बहुत ही टेम्पररी चीज़ों पर आधारित मानते हैं। जैसे किसी ने म्यूज़िक सुन लिया, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर चला गया, किसी ने पल भर के लिए कोई किताब पढ़ ली। लेकिन जब तक आप खुशी या यूँ कहूँ कि दुख का कोई कारण नहीं पता लगा पाते, तब तक आपकी खुशी शायद टेम्पररी खुशी है। करेक्ट, एकदम बराबर। तो ये जो खुशी का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि जैसा मैंने बताया कि पहले आपको अपने आप को समझना है। लोगों का क्या होता है कि ये एक स्टेज है, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। जो पहला स्टेज है, आप अपने आप को समझो, लोग उतना भी नहीं करते। जब आप अपने आप को समझते हो, फिर आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अपने अपने को समझना ही काफी नहीं है, समझने के बाद आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो। आज अगर सुसाइड केसेस जो होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि लोग अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, ना वो ऑप्टिमिस्टिक है, ना वो इनिशिएटिव लेते हैं, तो वो अपने बारे में बहुत लो समझते हैं, लो सोचते हैं, या जो भी है। तो सबसे पहली बात है, अपने आप को समझो, फिर अपने आप को मैनेज करो, फिर इस दुनिया में क्या हो रहा है उसको समझो। मतलब उसे समझना बहुत जरूरी है कि आपके आसपास में एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एंड उसके बाद आप लोगों के साथ, दूसरों के साथ काम कर सकते हो। तो ये सब स्टेजेस है। मैं ये बोलूंगा कि ये सबसे पहला चालू होता है अपने आप को समझना, जिसको मैं बोलता हूँ डिस्कवर योरसेल्फ। फिर एक बार समझने के बाद आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने अंदर आपके इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे, और उसके बाद आपको समझना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, एंड फिर दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले अपने आप से चालू करो, फिर आप दुनिया को बदलने की सोचो। सर, बहुत अच्छी बात आपने समझाई कि खुद से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि उसके आगे एक बहुत लंबी राह है जिस पर हमें चलना है। सर, आपने एक किताब लिखी, इस किताब को आपने एक मकसद के साथ लिखा, तो किताब को लिखते समय आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या बिना परेशानियों के ही आपने इस किताब को लिखना और लोगों तक पहुंचाने का काम कर लिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये जब मैंने स्टार्टिंग में इसको लिखना चालू किया, कहीं पे भी ये किताब का दिमाग में भी नहीं था। मैं जो किताब लिखना चाहता था वो था कोचिंग के ऊपर, क्योंकि मैं एक एग्जीक्यूटिव कोच भी हूँ, तो कोचिंग के बारे में भी बहुत सारे गलत गलत धारणाएं हैं। तो मैं चाहता था कि ऐसी किताब लिखूं जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले और वो खुद पे भी कोच कर सके, जिसको हम सेल्फ कोचिंग बोलते हैं। तो वैसे करते करते मैं वो लिखते गया, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। फिर सडनली लास्ट चैप्टर आया जिसमें मुझे लगा कि अब मुझे स्पिरिचुअलिटी के साथ कोचिंग को कनेक्ट करना चाहिए। जब मैं वो लिखना चालू किया, और मैं लिखते लिखते ऐसा रियलाइज हुआ कि इतनी सारी चीजें आ गया, और वो इतने अच्छे तरीके से आ गया, मुझे लगा अभी जो मेरे जो मेन जो बुक में लिख रहा हूँ उसको मैं साइड में रखता हूँ, और इसको, बिकॉज ये छोटी सी किताब थी, मतलब करीब 100 पेजों की किताब है, बट ये इतना अच्छा आया वो चैप्टर कि मुझे लगा कि अब मैं इस पे थोड़ा सा और ज्यादा काम करके इसी को मैं अपना पहला बुक लॉन्च करूँ, उसके बाद मैं कुछ और चीज में, बिकॉज ये एक चीज मुझे बहुत ही मोटिवेट हुआ। और दूसरा एक चीज है जिसका मेरा सेकंड बुक जो मैंने लिखा हुआ है, वो है रिलेशनशिप के ऊपर। तो अगेन ये सब कनेक्टेड है। तो रिलेशनशिप के ऊपर मैंने किताब लिखा, लेकिन सबसे पहला जो मैंने मेरे दिमाग में आया वो है स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ऐसा मुझे लगा, लिखते लिखते मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि लाइक खुशी सब कुछ है लाइफ में, एंड
एंड खुशी से स्पिरिचुअलिटी मिलते है, और उसी के फिर मैंने बाकी सब साइड में रख के इस पे और लिखना चालू किया, काम करना चालू किया, और करते करते फिर ये कंप्लीट हो गया। वेरी नाइस सर। और आपका ये काम कंप्लीट हुआ इसीलिए जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा है कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आया है, एटलीस्ट ये समझने के लिए तो आया ही है कि आखिर खुशी क्या है और खुशी किस तरह से मिल सकती है। और ना सिर्फ इतना बल्कि उन्हें ये भी पता लगा है कि आखिर अपनी लाइफ में अपनी लाइफ का पर्पस कैसे खोजना है और जिस पर्पस के आधार पर इस पूरी ज़िंदगी में काम करना है, अपने एफर्ट्स को पूरा पूरा इन्वेस्ट करना है। सर बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनके ऊपर अपने काम को लेकर बहुत प्रेशर रहता है, वो खुश जो रहने की एक इच्छा है कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से छोड़ देते हैं। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूथ सर्कल है मैं ये कहूँगी कि वो नौकरशाही या नौकरी में लगा हुआ है और नौकरी करने में उनके कम से कम 8 से 10 घंटे जाते हैं, ऐसे में वर्क प्रेशर होने की वजह से खुशी जो है वो आधी हो जाती है। वो अपने काम को करते रहें और खुश भी रहें, इसके लिए क्या मंत्र आप देना चाहेंगे? देखो हम सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं जिसको हम वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, बट वर्क लाइफ बैलेंस मेरे हिसाब से भी अपने अपने ही हाथ में है। अगर समझो मैंने देखा है आजकल के जो यंगस्टर्स है, यू नो 8-10 जो आप बोल रहे हो वो आप कम बोल रहे हो, मैंने देखा है लोगों का कम से कम 12 से 13 घंटा सिर्फ निकल जाता है। अगर मैं बॉम्बे का बात करूं तो ट्रैवलिंग एंड वर्क दोनों मिला के 12 से 13 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है आप इसके अंदर भी वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो। वो कैसे? आपके पास वीकेंड रहता है, आपके पास हॉलीडेज का ऑप्शन रहता है, तो आप उस समय जो आपका खाली समय होता है आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो? आप जब घर जाते हो, सपोज आप 8 बजे घर से निकलते हो और आप समझो 10 बजे घर में पहुंचते हो, 10 से 12 आप क्या करते हो उससे भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस होगा। आप घर में टाइम कैसे बिताते हो, किसके साथ बिताते हो, कितनी शांति मिलती है आपको, उससे भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है। जब आपका वीकेंड होता है आप वीकेंड में क्या करते हो, आप 3 महीना 6 महीने में अगर आप 2-3 दिन का छुट्टी लेते हो तो मतलब आप पूरा फ्रेश हो जाते हो। तो ये आपके हाथ में कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करते हो, और उसको अगर आप करोगे तो वापस आपको खुशी मिलेगी और आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो मेरा ये नहीं सोचना है कि अगर कोई इंसान 10 से 12 घंटा काम करता है तो वो गलत है, बिकॉज नौकरी तो नौकरी है। मैंने भी करीब 16 साल यू नो जॉब किया है। अब एकेडमिक्स में आने के बाद ठीक है बहुत सारा सेटिस्फेक्शन, बहुत सारा फ्रीडम है, बट जब कॉर्पोरेट लाइफ में था वैसे ही था, मतलब मैं महीने में 15 से 20 दिन तो आउट ऑफ स्टेशन ही रहता था। लेकिन फिर भी जब भी मैं आउट ऑफ स्टेशन जाता था, समझो काम से जाता था, मैं ये देखता था कि मेरे पास आधा दिन का टाइम हो और मैं उस आधे दिन के अंदर उस सिटी का सब कुछ देखता था। तो इंडिया का ऐसा कोई सिटी नहीं है जहां मैं अपने वर्क के सिलसिले में नहीं गया हूं, बट ये भी सही है कि मैं जब भी गया हूं मैं 2-3-4 घंटा निकालता हूं उस सिटी को पहचानने में, उस सिटी को देखने में जिससे मुझे खुशी मिलती थी, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिलती थी और जिससे मेरे को काम करने में और अच्छा लगता था, और मैं नया जगह जाऊं और कुछ करूं। तो ये अपने हाथ में कि आप किस तरीके से उसको बैलेंस करते हो, किस तरीके से आप खुश रहते हो और आगे जिंदगी को लेके जाते हो। हर एक व्यक्ति को जरूरी है कि किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है, अपनी लाइफ में किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को सेकेंडरी रखना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। किस तरह से वो अपनी खुशी को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर सकता है और स्पिरिचुअलिटी का जो एक स्वाद है उसको चख सकता है, ये तभी मुमकिन है जब आप खुद को लेकर अवेयर होंगे। सर आपने हमारे साथ इतना अच्छा और इतना गहन जो ज्ञान है अपना वो हमसे साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं, कुछ घर से बाहर जाते हैं, कुछ घर में रहकर ही स्पिरिचुअलिटी को पाते हैं,
लेकिन जो सबसे आसान तरीका आज रविंदर सर ने बताया वो ये कि जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, जब तक आप उस खुशी को बाकी लोगों में नहीं पहुंचाएंगे और अपना एक मकसद नहीं ले आएंगे, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी का जो असली मकसद है, जो असली स्वाद है, वो नहीं चख पाएंगे। इसलिए आप भी खुद को खुश रखिए, खोजिए कि आपके लिए सबसे बेहतर खुशी क्या हो सकती है, कैसे आप उसे पा सकते हैं, तभी आप स्पिरिचुअलिटी की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए लेखक के साथ आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन, बदले।